आज हम अध्ययन करेंगे इटली के ही एक चित्रकार 16वीं शती के अंतिम चरण में इटली में मिलान नगर के करीब कारीवाच्चो नामक स्थान में जन्मे एक चित्रकार का, जिन्होंने उनके स्थान के नाम पर ही कारीवाच्चो या कैराविच्चो नाम से जाना जाता है। और इन्होंने रेफल के समान ही इनकी कम आयु में 36 वर्ष की कम अल्प आयु में इनका निधन हो गया था। और ये 17वीं शती के विकसित बरोक शैली के एक चित्रकार थे, कर्णधार के रूप में थे, बल्कि अति यथार्थ चित्रण में भी अत्यंत प्रवीण और छाया प्रकाश में लियोनार्डो दा विंची से भी आगे थे। तो यथार्थवादी शैली की तरफ इनका पूरा रुझान था और छाया प्रकाश जो इनके उसमें महारत थी, और इतनी महारत थी कि हम लियोनार्डो से भी आगे उनको मान सकते हैं। और उन्होंने परंपरा जो उस समय चल रही थी, परंपरा की उनसे अवहेलना की और मौलिक सृजनात्मक प्रतिभा थी। उनकी मौलिकता इस तरह से थी कि उन्होंने धार्मिक विषयों को भी मन से इस प्रकार चित्रित करना शुरू किया कि जैसे साधारण जीवन के को के व्यक्ति हों। और चित्रों में प्राय निम्न वर्गीय व्यक्तियों को ही धार्मिक चित्रों में दिखाया, मतलब उनको धर्म पर आधारित जो चित्र बनाए उसमें देवी देवता या पोप या सेंट इनको कोई ऐसे बहुत बड़ा चढ़ाकर अलंकारिक रूप से दर्शाने का प्रयास नहीं किया। जो सामान्य व्यक्ति होता है उसी को उन्होंने इस रूप में चित्रित किया है। और उन्होंने देवी देवताओं संत महात्माओं के चित्रों को इस ढंग से बनाना शुरू कर दिया मानो वे छोटे मोटे लोग हों। एक चित्र में उन्होंने सेंट मैथ्यू को नंगे पैर मछुए के रूप में चित्रित किया जिसके पैर काफ़ी फैले हुए हैं। और एक और चित्र जिसमें मृत्युशैया पर पड़ी मैडोना को चित्रित करने के लिए एक निर्धन बालिका को उन्होंने मॉडल बनाया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उन्होंने यथार्थवाद को की तरफ इस रूप में देखा कि उन्होंने देवी देवताओं का अंकन भी सामान्य जन सामान्य को लेकर और उसी रूप में उनको चित्रित किया है। और इसके ऐसा करने से इनका विरोध भी हुआ, रोष भी हुआ, निंदा बरसना भी की, पर इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा और उनकी आलोचना की उन्होंने कोई परवाह नहीं की और अपने नग्न सत्य पर आधारित चित्रण कार्य करते रहे और मौलिक तथ्यों पर ही वे जोड़ देते थे। मानव आकृतियों के साथ साथ कैराविच्चो ने निर्जीव वस्तुओं के चित्रण में भी रुचि ली और इन ऐसे चित्रों में फॉर्चून टेलर, फ्रूट बास्केट, मैकडानल फ्लाइट इनटू इजिप्ट ऐसे प्रमुख चित्र हैं। और रोम में स्थित फ्रेंच चर्च में सेंट मैथ्यू के जीवन पर आधारित चित्र भी उन्होंने बनाए। वर्जिन एंड पिलग्रिम्स, पॉल ऑफ द सेंट पॉल, क्रूसीफिकेशन ऑफ सेंट पीटर, एंटूमेंट ऑफ क्राइस्ट ऐसे इनके प्रमुख चित्र है। कैराविच्चो ने परंपरा का अवहेलना कर जो एक क्रांतिकारी कदम उठाया था उसका प्रभाव पूरे यूरोप में पड़ा। और दो प्रबल शक्तियां थी जिनमें जिनसे कैराविच्चो ने मैनरिस्ट चित्रण शैली का विरोध किया, एक तो यथार्थ के प्रति पूर्ण निष्ठा और दूसरा प्रकाश के प्रति नया दृष्टिकोण। यानी उनकी यथार्थवादिता में ज्योतिर्गमयता के प्रमुख शस्त्र थे, मतलब यथार्थ तो यथार्थ ऐसा कि जिसमें देवी देवताएं भी हमारे जीवन से जुड़े नजर आएं, और दूसरा है प्रकाश का प्रयोग। वे मैनरिस्ट परंपरा को बिल्कुल निर्मूल कर देना चाहते थे जिसमें चीज़ों को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता था। कैराविच्चो एक स्वावलंबी चित्रकार थे जिनका अपना स्वयं का निजस्व था। उन्होंने अपनी चित्रलिपि स्वयं अपनी सूझबूझ से निकाली, पौराणिक और धार्मिक विषयों से हटकर दैनिक जीवन के यथार्थ को चित्रों में प्रस्तुत करने वाला ये सचमुच ही अनोखा चित्रकार था।
आकृतियों के गठन में इन्होंने निश्चित रूप से शास्त्रीय संतुलन अपनाया, मतलब उनके जो प्रोपोर्शन थे वो आइडियल थे, किंतु साथ ही निम्न वर्गीय जन सामान्य व्यक्ति को अपना मॉडल बनाया। प्रकाश के प्रति भी उनका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था, अनोखा था। प्रकृति का प्रकाश नहीं बल्कि कला का प्रकाश उनके चित्रों की विशेषता थी। जो एक आकृति को जगमगाता है, वहीं पर दूसरी को अंधकार में ही पड़ा रहने देता है, अदृश्य सा रहने देता है। प्रकाश का यह जादू कैरेविजो की परिपक्व शैली की उपलब्धि थी। रोम में अपने जीवन के अंतिम चरण में कैरेविजो ने अपना श्रेष्ठतम धार्मिक चित्र संयोजन द डेथ ऑफ द वर्जिन चित्र बनाया। मैनरिस्ट परंपरा का विरोधी होने के बाद भी उनकी कुछ प्रारंभिक रचनाओं में मैनरिज्म का प्रभाव दिखता है। बहुत ज़्यादा प्रकाश है, उज्ज्वल प्रकाश है, किंतु बाद के परिपक्व चित्रों में ऐसा अनोखा छाया प्रकाश का प्रभाव प्रकट हुआ मानो रंगमंच पर नाटक हो रहा हो, उसमें प्रकाश का फोकस दिया जा रहा हो। कुल मिला के उन्होंने दो चीज़ों पर ध्यान दिया, एक तो यथार्थ जीवन से जुड़े व्यक्तियों के को लेकर, साधारण व्यक्तियों को लेकर अपनी चित्रों में उनका मॉडल के रूप में प्रयोग किया। दूसरा प्रकाश, और प्रकाश भी ऐसा जिसमें वह यथार्थ जीवन सूर्य का प्रकाश उनका प्रकाश नहीं था, बल्कि किस व्यक्ति को उनको प्रकाश में प्रकाशित करना है और किस वस्तु को उनको अंधकार में रखना है। तो एक जैसे नाटक में होता है कि हम किसी कैरेक्टर को बाहर उभारते हैं और किसी कैरेक्टर को डार्क शेड में रख देते हैं, तो वैसा ही प्रकाश उनके चित्रों में दिया जाता था। और परछाइयों को जो छाया बड़ा चढ़ाकर आवश्यकता से अधिक श्यामल या डार्क दिखाया है। कैरेविजो मूलतः एक अतिशय यथार्थवादी क्रांतिकारी चित्रकार थे, जिन्होंने 17वीं शती में परोक्ष चित्र शैली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मिलान, वेनिस, रोम में चित्रकारी करने के उपरांत नेपल्स में स्थायी रूप से गए और नियोपॉलिटन स्कूल की इन्होंने नींव डाली। कैरेविजो ने जो क्रांतिकारी कदम उठाए उसकी प्रतिक्रिया सारे यूरोप में हुई और बहुत से यूरोपीय, डच, फ्रांसीसी, फ्लेमिश और स्पेनिश चित्रकारों ने अपने चित्रों में उनके चित्रों से प्रत्यक्ष प्रेरणा लेकर चित्रण किया। दूसरे महान कलाकारों ने उनके दृष्टिकोण पर नवीनताएं उत्पन्न करने की चेष्टा की। मिकलेनेस्किस के समान कैरेविजो पीरियड में भी रूबेंस, वेलास्के, लातूर, रेम्ब्रा, वर्नियर जैसे महान कलाकारों की रचनाओं में खोजा जा सकता है। तो आज हमने अध्ययन किया इटली के 17वीं शताब्दी के महान चित्रकार कैरेविजो के बारे में, और आने वाले लेक्चर में हम एक और किसी महान चित्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।